टीम इंडिया साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है, मैंने आपको बताया यहां पे, और साथ ही साथ अभी भी कुछ खिलाड़ियों का इंतजार है। आखिर ये पूरी टीम पहुंची क्यों रही है? दो खिलाड़ी ऐसे जिनको T20 फॉर्मेट यहां पे खेलना, अगर गिल और जडेजा की यहां पे मैं बात करूं, खासकर रविंद्र जडेजा की। गिल को एक बार हम साइड भी कर सकते हैं यहां पे, क्योंकि वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन आप जडेजा की अगर बात करें, उपकप्तान है, अभी तक पहुंचे नहीं है दोनों ही खिलाड़ी, रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल अभी तक यूरोप में है, यूरोप टूर कर रहे हैं वो, जब से वनडे वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, समझ में आता है ब्रेक पे, लेकिन अब दौरा शुरू होने वाला है। आज 8 तारीख हो चुकी है यहाँ पे, 10 तारीख को पहला मुकाबला खेला जाएगा। टीम 4 दिन पहले पहुंची अडेप्टेशन के लिए, लेकिन ये खिलाड़ी अभी तक क्यों नहीं पहुंचे, क्या है इसका रीजन, क्या वजह है, क्यों बीसीसीआई इसकी तरफ नहीं देख रही है इन चीजों की तरफ, और अगर साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तैयारियों के लिए भी कम समय बचेगा यहाँ पे। अगर बात करें शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा के पास, सूर्य कुमार यादव की टेंशन थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ा दी इन दोनों खिलाड़ियों ने, कहीं ना कहीं सूर्य के होश उड़ा दिए यहाँ पे कि भाई किस तरह से तैयारियां करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, जैसे ही आएंगे प्लेइंग 11 में शामिल हो जाएंगे। अब देखना ही होगा कि क्या चीजें चलती है, लेकिन शुभमन गिल के लिए साल अच्छा रहा है, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप में थोड़ा सा फॉर्म उनका नदारद रहा था। वहीं अगर बात करें रविंद्र जडेजा की, वर्ल्ड कप में ठंडे गरम रहे थे, लेकिन अब दोनों की निगाहें यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप पे होंगी कि T20 वर्ल्ड कप में कैसा प्रदर्शन करते हैं। यूरोप से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सीधे यूरोप से जुड़ेंगे शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा टीम के साथ। साउथ अफ्रीका में टीम इंडिया इस वक्त डरबन में है, प्रैक्टिस सेशंस की शुरुआत हो चुकी है। कहीं ना कहीं जो निगाहें हैं वो यही हैं कि तीनों T20, तीनों ODI और उसके बाद जो फाइनल फ्रंटियर जिसे कहा जाता है, दो टेस्ट मैचेस उसको भी अपने नाम करें और ये मुकाबले जीत कर ही भारत वापस लौटे, और जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप की जो हार है उसका जो दर्द है वो थोड़ा सा कम करके यहाँ पर लौटे। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या टीम इंडिया यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करके सीरीज जीत सकती है या फिर नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें।